शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान। अभी तक मेलबर्न में जितने मैच देखे हैं, ये चौथी मैच है और तीन मैच टीम इंडिया ने जीती है, तो मेरे लिए लकी है ये ग्राउंड और कल के हर हाल में मैच जीतनी होगी, क्योंकि सब भारतीय वासियों को दिवाली तोहफा में दे, मतलब जीत दिवाली की तोहफा में जाए। देखो भारत आर्मी ऐसा है कि हम लोग 12th मैन है, ठीक है, टीम इंडिया का। वी विल सपोर्ट देम वेयर एवर दे आर, वेयर एवर दे ट्रेवल ऑल द टाइम। हम हमारा जोश पूरा उनके साथ रहता है। अपसेट होते रहते हैं और वो 100 मैचों में एकाध मैच में होता है। आप रिकॉर्ड भी देख लो कि इंडिया 99% मैच जीती हुई है, तो रिकॉर्ड भी दिखा रहे हैं। और इंडिया जिस तरह से इंडिया की टीम इस फॉर्म में है, इंडिया के सारे प्लेयर बल्लेबाजी में, बॉलिंग में, फील्डिंग में जितने फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं है कि कल ये यहाँ पे जीते। वी आर, आई डोंट वांट टू से ऑन कैमरा, बट वी आर एक्साइटेड एज हेल। This is going to be an awesome showdown and we are going to kick some beep. I think the josh of the Indian fans needs to translate into the josh of the team as well, which we are seeing during the practice itself. And my father has specially come down from India for this showdown also. So we are super excited. Yeah, I'm very much excited because I'm coming all over India. Just I have reached today morning and I'm a little sleepy. But I am so excited. I am just attending this practice session, and my good wishes for Indian team. And I just suggest, and I wish they just stick to the basics. Excitement आज की नहीं है, तो एक साल पहले से started है, जब से हमने tickets book करी हैं। एक साल पहले tickets book करी थी। अभी हमें था शायद match weather का impact हो जाए, but luckily आज match होगा and we are all very excited. बहुत ज़्यादा excited है। जैसे मेरे दोस्त ने कहा, हम तैयारी कर रहे हैं एक साल से पूरी, और हम यहाँ 3 दिन पहले आ गए थे और हम पूरा होटल लॉबी और यहाँ वहाँ यू नो अपना इंडिया का लोगो और ये ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, तो मजा आ रहा है। अभी बाहर भी फ्रेंडली बैंटर्स हो रही है विद पाकिस्तान फैंस, अब तो और बिल्डअप होगा। और यही तो मजा है इंडिया पाकिस्तान के मैच का कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फैन आते हैं, जहाँ मर्जी मैच हो, जिस मर्जी देश में हो, ठीक है, दे कवर इट एंड दे नो दे एंजॉय इट, और द बाप ऑफ ऑल द मैच वो ये मैच है। वो तो आल ट्राइवलरी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब ये टीम मैंने देखा है तो अपना बैटिंग लाइनअप अपना स्टेबल है, बॉलिंग में भी अभी स्टेबल है, लाइक नए बंदे लाइक अर्शदीप है, शामी का अच्छा फॉर्म है, उस दिन पिछले ओवर में उसने मेडन मतलब 3 विकेट निकाले थे वार्म अप मैच में। तो मुझे लगता है कि अभी बैटिंग बॉलिंग लाइनअप अपने अच्छे है, सिर्फ जडेजा की कमी खलेगी, बट अक्षर पटेल उसका काम कर जाएगा। इंडिया का कॉम्बिनेशन तो थोड़ा वीक है, बैटिंग साइड तो नो डाउट इंडिया का हर टाइम टॉप ही रहता है, बॉलिंग में थोड़ा इंडिया वीक है। और वही देखने जाए तो पाकिस्तान पूरा पैक है, 2-3 साल से अपन देख रहे पाकिस्तान बहुत अच्छा, ऐसा नहीं अपन इंडिया को सपोर्ट करना है, लेकिन अगर देखना जाए तो पाकिस्तान थोड़ा स्ट्रांग टीम है, लेकिन इंडिया बड़े मैच में इंडिया बाजी मार जाती है हर टाइम पाकिस्तान के सामने। हमारी टीम इंडिया जीतेगी, विराट कोहली और मोहम्मद शमी से हमें पूरी पूरी उम्मीद है, रोहित शर्मा जैसे हमारे साथ खिलाड़ी हैं और टीम इंडिया में बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, हमारी टीम को आज जीत मिलेगी इंशाल्लाह। एज यूजुअल हम लोग जीतेंगे जैसे हर बार जीते आए हैं। कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है अपने प्लेयर्स की? बहुत अच्छी रहने वाली है, रोहित शर्मा और विराट कोहली इस बार भी अपना जलवा दिखाएंगे और केएल राहुल से उम्मीद है कि वो जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। और बॉलिंग लाइन की बॉलिंग में शमी बेस्ट करेंगे हमें उम्मीद है। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है हमेशा एक जुनून पे होता है और पूरे ही दोनों ही कंट्री के देश को इंतजार होता है इस मैच का, लेकिन हम उम्मीद ये रख रहे हैं कि हमारी इंडिया आज बहुत ही अच्छी तरीके से जीतेगी। हमारे पास विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, मोहम्मद शमी और अच्छे गेंदबाज भी और फील्डर भी अच्छे, तो काफ़ी अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है और क्राउड हमारी पूरी जनता द्वारा उनके साथ है और इसलिए हम इंडिया हमारे जीतेगी इंशाल्लाह। पूरे मैच का जैसे कि हर बार देखा गया है कि इंडिया हमेशा भारी रहता है और आगे आने वाले समय में इंडिया भारी इसलिए भी रहेगा क्योंकि यहाँ के जो हमारे खिलाड़ी हैं इतने महान खिलाड़ी हैं और अच्छी प्रैक्टिस के नाते, नेट प्रैक्टिस भी कल मैंने देखी थी बहुत अच्छी चल रही थी, और इंडिया इंशाल्लाह आपकी जल्दी जीतेगा और मुझे लगता है कि 10 ओवर में ही जीत लेगा। टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, ऐसे भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच रहता है इंडिया का तो एक अलग सा माहौल रहता है पूरे विश्व भर में, काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिले और आखिर में जीत इंडिया की हो। काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स है अभी हम लोग के प्रेजेंट क्रिकेट में इंडिया के पास, सूर्य कुमार यादव एक काफ़ी अच्छे फॉर्म से जा रहे हैं,
विराट कोहली भी इन फॉर्म नजर आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंडिया जीते और पाकिस्तान को पिछला बार का हम लोग बदला लें, हम लोग हारे हैं पिछले बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से, तो इस बार हम लोग जीते। जाहिर सा बात है कि पिछला बार हम लोग हारे हैं तो उस चीज़ को नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि तो मैच है, हार जीत का खेल है, इसमें होते रहता है। लेकिन इस बार हमारी टीम ठीक है, अपोनेंट भी बेशक ठीक है, उन लोगों का भी जो साइंस ऑफ रिदी है वो बेशक बहुत अच्छा गेंदबाज है और वो वापस आ गया है। सडनली टीम जो है इस बार ज़्यादा गियर्ड अप है और पीछे लॉस का डिफीट का वो भी एवेंज करना है हमें, तो इस बार ज़्यादा शोर शोर से इंडिया खेलेगी। हालांकि बॉलिंग में थोड़ा सा बुमराह के ना वजह होने नहीं होने से थोड़ा सा टीम कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन मोहम्मद शमी है और एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ही विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो। House of Joss! 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 House of Joss!